ठीक है गाइज, आज हम लोग करने वाले हैं वायर रिमूवल। तो हम लोगों ने फुटेज ले रखा है, हम लोगों ने मैक्सिमम 10 फ्रेम ले रखा है अभी, कि भाई 10 फ्रेम ही करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में पहले कम से स्टार्ट करते हैं। फ्रेम वन पे गए, फ्रेम वन पे जाने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, रोटो पेंट यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे पी प्रेस करता हूँ, रोटो पेंट आपके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ देखें तो ये पार्ट आपके पास यहाँ पे आ गया। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक फ्रेम क्लीन करना है। तो डबल क्लिक करो आप यहाँ पे और चीज़ों को मैनेज करो। क्लोन ब्रश है, ठीक है, यहाँ से मैं चीज़ों को हल्के हल्के लाइटली मैनेज करता हूँ। कैसे करना है, ब्रश है, कंट्रोल प्रेस करो एंड लेफ्ट क्लिक। आप इसे यहाँ पे लाइक इसका पोजिशन ले सकते हो। दूसरा पार्ट क्या है, शिफ्ट एंड लेफ्ट माउस बटन ड्रैग करोगे तो यहाँ पे साइज बड़ा छोटा हो जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, और अगर आपको ये क्लोनिंग रिसेट करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, आपने सिंपल कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करो और लेफ्ट माउस बटन, तो आपको रिसेट हो जाएगा। तो पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कंट्रोल एंड लेफ्ट माउस बटन जूम करना है, लाइक कितना मैच कर सकते हो, शिफ्ट प्रेस करो और देन यहाँ पे क्लिक करना स्टार्ट करो। चीज़ उसे मिलती जुलती नजर आनी चाहिए, भाई कैसे क्या हो सकता है। जो कि चीज़ें ज़्यादा लाइक मैंने जो ऑपेसिटी मैंने यहाँ पे कर दिया 0.3 0.3 0.2, हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जो तो था ब्लेंड भी दिखे यहाँ पे। ठीक है, इस तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ को मैनेज करते हैं, लाइक कॉर्नर पॉइंट को कैसे मैनेज करना है। तो देन मैं यहाँ पे थोड़ा सा लेके चलता हूँ और देन ये पार्ट कुछ इस टाइप से हर एंगल से आपको तो है डील करने की, लाइक ऐसे कुछ मैनेज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, लाइक ऐसे करके मैं थोड़ा सा डील कर सकता हूँ यहाँ पे, कि भाई मेरे पास चीज़ ऐसी हो जो लाइक उसके आसपास ही लगे, कहीं और ना लगे। देखो यहाँ पे कोई भी चीज़ हम लोग मैनेज करते हैं, हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि इसका पिक्सल मैच होना चाहिए। वायर रिमूव करने के बाद ऐसा लगे नहीं कि वहाँ से कुछ रिमूव किया गया, तो वहाँ से आपको यहाँ पे ये चीज़ आपको मैनेज करना पड़ेगा। पोजिशन सेट करो आप यहाँ पे, और ये चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा भाई कि मैं यहाँ पे किस तरह से मैं मैनेज कर पा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, जस्ट लाइक दिस पोजिशन को बहुत ही अच्छे से मैनेज करो आप यहाँ पे, ये पार्ट आपका ऐसे कुछ पिक्सल भी आपको थोड़ा पेंट करना है यहाँ पे, क्योंकि आप चीज़ लाइक अपना हाई रेंज ही मिलेगा यहाँ पे। देन आप यहाँ पे क्लिक करो, देन कुछ जगह पे बहुत आसानी से हो जाता है, कुछ जगह पे आपको यहाँ पे देखना पड़ता है कि भाई यहाँ पे अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो मैं बस कैसे क्या काम करने वाला हूँ यहाँ पे। पैचेस दिखना नहीं चाहिए, लाइक मैं दूर से देखूँ यहाँ पे क्या फ्रेम ये हो गया, मेरे समय पर वो चीज़ विजुअल नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे जो चीज़ होती है यहाँ पे थोड़ा सा विजुअल होता है कि अगर मैं इसके पास यहाँ पे करता हूँ, देन यहाँ पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव आपको मैच करने का आइडिया होना चाहिए। आप प्रोस्पेक्टिव मैच करते होते देन देखो ये बड़े नीट एंड क्लीन तरीके से यहाँ पे चाहिए, थोड़ा सा पता चल जाता है भाई मेरे पास अगर ऐसा कुछ है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा कुछ कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और देन लाइक दिस ऐसे करके थोड़ा सा आप मैनेज करो प्रोस्पेक्टिव वाइज। ठीक है, एंगल चेंज करने में लाइक हेजिटेट मत होना, यहाँ देखो यहाँ पे चीज़ कैसे किस टाइप से, तो हम लोग लाइक ऐसा कुछ डील कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को लाइक थोड़ा सा डील करना पड़ता है, जैसे कुछ छोटी छोटी यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें यहाँ पे क्या है, लेकिन मेरे को यहाँ पे जो चीज़ लेनी है वो मुझे कुछ स्टेप्स लेना है। अगर मैं देखो यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे कुछ स्टेप से मैं मैनेज करूँगा यहाँ पे, तो मुझे हर एंगल पे वहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। मैं अगर यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करूँ तो मैं बस ऐसा कुछ कैसे है, लाइक मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया यहाँ पे, तो कैसे मैं डील कर सकता हूँ। अभी ब्रेक करना पड़ेगा मुझे इन सब चीज़ को, कि लाइक जो भी प्रोस्पेक्टिव का पार्ट है उसके अकॉर्डिंग मैं कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो ऐसे करके बड़े बारीक तरीके से आपको यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ को मैनेज करना पड़ेगा भाई कैसे क्या पार्ट है और कैसे मैं उस चीज़ कैसे बेटर जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जस्ट क्लिक किया मैंने यहाँ पे, ये पेशेंस वाला काम है, लाइक ऐसा नहीं कि एकदम से आप यहाँ पे चीज़ को मैनेज कर सकते हो, बहुत ही पेशेंस से चीज़ को डील करना पड़ेगा यहाँ पे, चीज़ लाइक पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ करके हम लोग दिखा सकते हैं भाई, जूम करो यहाँ पे लाइक ये पार्ट में, बस यहाँ पे तो मैंने यहाँ से थोड़ा सा इसको भी ऐसे भी डील कर सकते हैं जी, हैं क्या और कैसे हम लोग डील करना है ये पार्ट मुझे यहाँ से क्रॉस चेक करना पड़ेगा, ये बात यहाँ पे लिया मैंने अभी। ठीक है,
ये सब टाइम टेकन चीज़ होती है, लाइक ये सब डील करता है। तो ये आपने क्या लाइक नॉर्मली एक फर्स्ट हम लोग कैसे डील कर रहे हैं यहाँ पे, ये तो सा आइडिया मिलना चाहिए, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा एक साइड से दूसरे साइड से आपको डील करके दिखा रहा हूँ। ये देखो ये पार्ट आप ऐसे करते देन मैंने इसकी लाइनें मुझको मैनेज करनी पड़ेगी यहाँ पर, ये लाइनें मुझको ऐसे कैसे मैनेज करें, उसके बाद आप यहाँ पर चीज़ को मैनेज कर सकते हो आप। लाइक कैसा क्या पार्ट है सा आइडिया नहीं मिलेगा कि भाई कैसे आप यहाँ पर चीज़ को मैनेज कर सकते हो, जो लाइट है शैडो है डायरेक्शन है सबको एक तरीके से मैनेज करके लेके चलना है कि भाई मुझे यहाँ पर कुछ काम करना है। अगर यहाँ पे कोई चीज़ अगर आपको आइडिया मिल जाता है लगता है कि यहाँ पे तो कुछ है तो आपको यहाँ पे थोड़ा देखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है लाइक दिस यहाँ से और ठीक है से प्रेस किया मैंने यहाँ पर हल्का हल्का मैनेज कर दिया यहाँ पे ठीक है लाइक दिस। फिर यहाँ से अगर डील करना है तो मैं यहाँ पे मैं इस वाले तरीके से यहाँ पे मैं मैनेज करूँगा पहले, यही चीज़ आपको लगी। ये एक आर्टिस्ट का सबसे बढ़िया मजा नहीं होती कि आप कैसे डील कर रहे हो ताकि वो आइडिया ना लगे, ठीक है। देखो अभी यहाँ से नीट एंड क्लीन होता नजर आएगा कि यहाँ पे कुछ था, हमने यहाँ पे चीज़ को मैनेज करते जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और लाइक कैसे डील कर सकते हैं हम यहाँ पे, लाइक तो था मैं यहाँ पे थोड़ा मैं ब्लेंड भी कर रहा था, ठीक है। आप एक टच दो टच आपको एक बार देना पड़ेगा, आपके यहाँ पर लाइक कैसे कुछ है तो यहाँ पे मैं चीज़ को मैं मैनेज कर सकता हूँ, देखो कैसे आप चीज़ को ब्लेंड कर सकते हैं आप। ठीक है अभी आप यहाँ पे ऑपेसिटी का मैंने कर दिया 0.5 करके, देखिए आप यहाँ पे यहाँ देखो यहाँ पे कैसे डील कर पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मेरे पार्ट है तो मैंने यहाँ पे क्या किया सिंपल क्लिक एंड ड्रैग ऐसे क्योंकि हमें डील करना पड़ेगा कैसे हम लोग लाइक बहुत ही बारीकी से मैनेज कर सकते हैं। आपने ये देखना है कि हमारे पास कोई चीज़ ख़राब ना हो, ठीक है, कहीं कोई लाइनें ऐसे ना चेंज हो जाए कि लाइक पता ना चले कि वही कैसे क्या काम करना है, बहुत ही पेशेंस से काम करना है। ये भी ध्यान देने से यहाँ पे ना ये पार्ट आपको यहाँ पे ऊपर से नहीं मिलता, मैं यहाँ पे क्रॉस चेक करना है सिर्फ प्रेस करके देखा है मैंने बड़ा करके, ठीक है अभी हम छोटा करके देखते हैं यहाँ पे। यहाँ से मैंने क्लिक किया और मैं यहाँ से ये पार्ट यहाँ से ऐसे नॉर्मली और जनरली कैसे कर सकता हूँ यहाँ पे, ये चीज़ मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। यहाँ अगर आप चेक करोगे तो काफ़ी हद तक आपको चाहिए थोड़ा सा नीट एंड क्लीन दिखेगा क्या, तो लाइक कैसे आप क्या काम कर सकते हो किस टाइप से चीज़ को मैनेज कर सकते हो। अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे बहुत ही लाइक चीज़ों को मैं यहाँ पे करूँ, देखो ये लाइन है मेरे पास ऐसे आ रही तो मुझे इसके अकॉर्डिंग ये चीज़ डील करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। वो भी देखना है कि वो चीज़ वहाँ पर मैच हो रही कि नहीं हो रही, तो आपको यहाँ पे क्या करना है चीज़ों को बहुत ही पास से लेकर चलना है कि भाई यहाँ पे अगर चीज़ें मैं यहाँ पे करूँ तो शायद ये ऐसे कुछ काम करता है यहाँ पे, ठीक है लाइक लाइक दिस ऐसे करके। मैं देखो यहाँ पे डबल चीज़ें नहीं दिखनी थी यहाँ पे, थोड़ा सा और जूम किया मैंने यहाँ पे सिर्फ प्रेस करके साइज छोटा किया मैंने यहाँ पे और ऑल्ट करके यहाँ पे मैं थोड़ा सा चीज़ को मैं इसके बहुत ही बारीक से लेता हूँ मैं, देखो यहाँ पे जिससे क्या होगा वो चीज़ लाइक उतना मुझे दिखेगा नहीं, ठीक है मैं कैसे क्लीन कर पा रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ से मैंने ये लाइन लिया सिर्फ प्रेस करके यहाँ पे ऐसे लेके चलेंगे तो पूरा कनेक्टिविटी आ जाएगी यहाँ पे, और कुछ कनेक्टिविटी को मुझे ऊपर से भी यहाँ से मैनेज करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे डबल ना दिखे तो ऑपेसिटी को मैंने यहाँ पे किया 0.2 कर दिया मैंने यहाँ पे और देन तो ब्लैंड दिखेगा यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ये चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ा कुछ इस टाइप से मुझे मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पे देखूँ यहाँ पे तो देन काइंड ऑफ ठीक है, ये हमें थोड़ा ध्यान देना है। मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ लाइक बहुत ही तरीके से मैं डील कैसे कर पाऊँ, देखो ऊपर नीचे दोनों तरफ से मुझे लेके चलना है। अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ यहाँ पे क्लिक किया मैंने यहाँ पर और देन मैं इसको अगर ऐसे लेके चलता हूँ तो मेरे पास ऐसी कुछ चीज़ें आएंगी यहाँ पे, ठीक है। मैं कैसे पैटर्न वाइज ऐसे भी डील कर सकता हूँ।
अभी धीमी धीरे को यहाँ पे काफ़ी चीज़ को हमने यहाँ पे मैनेज कर दिया। यहाँ पे देखो ये एंगल का सही है, परस्पेक्टिव का एंगल है, यहाँ पे मैं चीज़ का ऐसे ऐसे भी लेके चलना, देखो ये पार्ट में ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ ठीक है, लाइक दिस ऐसा मैंने यहाँ पे सेट किया यहाँ पे ओके यहाँ पे ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं लाइक कैसे डील करना है, सब प्रेस किया मैंने यहाँ पे वन करके देखा, तो वन पे मेरे कितना पार्ट आ रहा है यहाँ पे ये चेक करो आप यहाँ पे, भी फॉर टाइमिंग मैं भी इसे मैनेज कर देता हूँ ठीक है। मैंने यहाँ पे किया देखो, यहाँ पे चीज़ें लाइक बहुत ही हार्ड दिखेगा तो भी दिक्कत है क्या, साइज़ है मेरे पास, हार्डनेस मैंने कम करके फिर मैं यहाँ पे 0.2 लेके मैं मैनेज करके यहाँ पे मैं ब्लेंड करूँगा, फिर कोई कैसे कैसे मुझे यहाँ पे क्या काम करना है जो ब्लेंड हो सके मेरे को। तो ये सब चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि लाइक आप कैसे आप सॉफ्टनेस के साथ डील कर रहे हो तो कैसे करना है आपको, यहाँ पे वो आसपास में ब्लेंड होना चाहिए ठीक है। ये देखो यहाँ पे देखो ना, ये लाइक बहुत दूर चला गया, देखो पास से ऐसे लेके आना है और लाइक तो मुझे ब्लेंड कर देना है ना, ऐसे ऐसे ब्लेंड कर देना है ताकि वो चीज़ दिखे नहीं, कहीं पर लगता है कोई चीज़ हमारे अनवांटेड पार्ट आ गया यहाँ पे तो मैं उनको थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज कर दूँगा, लेकिन मेरे पास यहाँ पे चाहिए उतना मैनेज ना दिखे, लाइक और भी ना दिखे कैसे क्या करें यहाँ पे, लाइक ऐसे करके देखो यहाँ पर लाइन है मेरे पास यहाँ पे और देन ओके देखो ऐसे करके हम लोग नीट एंड क्लीन करेंगे। मैं यहाँ पे जो भी कुछ लूँगा यहाँ पे थोड़ा सा लाइक काइंड ऑफ पैलेट टचअप के लिए यहाँ पे मैं मैनेज कर दूँगा भाई, मुझे ऐसे कुछ करना है। तो काफ़ी तक हमने यहाँ पे नीट एंड क्लीन किया, लेकिन मैं आपको रफली दे रहा हूँ, रफली आप पाई दे रहा हूँ भाई कैसे हम लोग यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं। यहाँ पे देखो यही चीज़ मैंने यहाँ पे दिखाया, यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे भी दिखा रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ देन यहाँ पे चीज़ें क्या है अगर यहाँ पे दिखाऊँ तो ये पार्ट भी मैंने इसमें ऐसे ले कर दिखाया कि भाई कैसे क्या काम कर सकते हैं हम ठीक है। हमने यहाँ पे देखा, अब यहाँ पे क्या करना है, टैप प्रेस किया DOT डॉट ले लिया मैंने डॉट ठीक है, डॉट को हमने यहाँ पे क्या करना है क्लिक एंड ड्रैग किया, मैंने ये डॉट यहाँ रखा ये पार्ट यहाँ पे क्या, अभी मैंने डबल क्लिक कर दूंगा यहाँ पे कितने जगह मैंने पेंट किया यहाँ पे आपको दिख जाएगा कितना पार्ट है, ये जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हैवी होता रहता है। तो हम लोग यहाँ पे करते क्या, लाइक यहाँ पे मैंने क्या किया फिर से पी प्रेस किया यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग कर दिया मैंने यहाँ पे ठीक है, टैब एंड डॉट डॉट है मेरे पास यहाँ पे, हाँ से यहाँ पे मैंने क्लिक एंड ड्रैग किया ये पार्ट में से यहाँ पे आ गया। अभी यहाँ पे क्या कर डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे ठीक है, तो देन यहाँ पे मुझे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है ये हमें देखना है कि लाइक ये पार्ट में बस कैसा है, जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया ये पार्ट आ रहा है यहाँ पे ओके, यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पे तो चीज़ मेरे पास यहाँ पे भी आएंगी भाई मुझे कैसे क्या डील करना है और फिर स्टेप से मैं चीज़ को मैनेज करूँगा जैसे दिखा। तो BG और FG के इसमें फंडा नहीं पता था, पहले हमारा FG था, अब हमें यहाँ पे क्या लेना है BG लेना है, BG लेना है, BG में हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना है मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे रिलेटिव है मुझे एब्सोल्यूट चाहिए ठीक है, फ्रेम नंबर 1 पे काम कर चुके हैं ठीक है, अभी मुझे फ्रेम नंबर 2 पे जाना है तो मैं अभी 2 पे यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे फ्रेम नंबर यहाँ पे डाल दूंगा मैं 1 ठीक है, और फ्रेम नंबर 2 पे अगर मैं आता हूँ यहाँ पे देन अगर मैं देखूँ यहाँ पे आपका अनियन सिंह का ऑप्शन है यहाँ पे, तो यहाँ पे डिफ्रेंसेज पता चलेगा क्या कितने डिफरेंसेज हैं, या आप प्रेस करोगे T तो आपको आइडिया मिलेगा ठीक है। और अगर आप यहाँ पे अगर मैं देखूँ यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे सिंपल सा पार्ट तो यहाँ पे आप कितना इजीली यहाँ पे क्लीन होते नजर आएगा, तो जितना डिफरेंसेस होगा आपके यहाँ पे देखना यहाँ पे ये पार्ट में यहाँ से आराम से मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे मिल जाएगी ना। लेकिन इसके साथ एक चीज़ और भी है, अगर मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ तो मुझे इसकी पोजिशन भी सेट करनी थी, इसकी पोजिशन कितनी है और कैसे है जैसे देखो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे ये काम मैंने यहाँ पे लाइक बहुत ईजी में दिखाया यहाँ पे कि अगर यहाँ पे दिखाया लाइक फ्रेम वाइज एब्सोल्यूट किया यहाँ पे सब कुछ मैनेज किया यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है ठीक है, यहाँ देखो ज़्यादा डिफरेंसेज नहीं है तो इसलिए बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखोगे कुछ जगह डिफरेंसेज होगा तो हम लोग यहाँ पे डिफरेंसेज में यहाँ पे क्या करते हैं चीज़ को मैनेज करते हैं। मैनेज कैसे करेंगे ये भी आपको दिखाता हूँ, जैसे T प्रेस किया अनियन का आपका पार्ट होता है यहाँ पे ठीक है, देखो
बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो इसमें मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, चीज़ों को थोड़ा सा अपने नीड के अकॉर्डिंग मैं प्ले कर सकता हूँ। प्ले करने का मतलब लाइक क्या है, जैसे यहाँ पे क्या है, टू देखो यहाँ ध्यान रखो, टी है, टी से मैं दिखना है भाई, देखो यहाँ पर कितना पार्ट में बस यहाँ पर हो सकता है, जितना पार्ट में बस यहाँ हो सकता है वो बहुत अच्छी बात है, काफ़ी चीज़ में बस यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, टी प्रेस करो एक बार यहाँ पर, लेकिन ये अप एंड डाउन ज़्यादा दिख रहा है। ये अप एंड डाउन का मतलब क्या है कि आपको जो पोजिशन है वो थोड़ा सा ज़्यादा इधर से उधर हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे नीट पोजिशन में मिला लेते हैं यहाँ पे, ताकि मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत ना हो। जैसे टू पे मैंने यहाँ पे किया, सिक्स से यहाँ पे मैं तो मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, प्लस में यहाँ पे देखो ये जो पार्ट दिख रहे हैं यहाँ पे टू एंड एट से, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पोजिशन को अपना ऐसा कुछ सेट करूँगा यहाँ पे, ताकि जब मैं ऐसे देखो नीट एंड क्लीन को तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आए। एट से मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ यहाँ पे, तो पोजिशन को मैं मैच करना है टी प्रेस करके। ठीक है, तो ऐसे करके अगर यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे चीज कितना डिफरेंसेस है, तो यहाँ पे मैं डिफरेंसेस को लाइक टू एट एंड ये पार्ट में फोर से ऐसे करके मैं मैनेज करूँगा। ठीक है, जब यहाँ पे देखो जब ऐसा हो जाए, देखो अभी यहाँ पे काफ़ी तक सही आ रहा है, यहाँ पे आपको डबल लाइन नहीं दिख रही क्या, तो ये चीज़ आपको समझ जाना है कि भाई ऐसे करके आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। इसमें मुझे टाइम नहीं लगेगा यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पे चीज़ को मैं मैनेज करता हूँ तो ये बस बहुत ही अच्छे से नीट एंड क्लीन होकर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा टिप्स एंड ट्रिक्स है, अगर मैं यहाँ पे मैं पहले से मैं अगर मैं मैनेज कर लूँगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे अपने फ्रेम को ऐसे नीट एंड क्लीन निकाल सकता हूँ।